अब चाइना कह रहा है यार ये ज्यादा नहीं हो गया कुछ, ये ज्यादा हो गया, अब चाइना परेशान है। वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर इज इन इंडिया, वो भारत के एक विजिट पे हैं 2-3 दिन के। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चीन 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत पहुंचे। उनके साथ कई मंत्रियों, उपमंत्रियों और व्यापार जगत के नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। वियतनाम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर भारत, और भारत एक एक प्राइम पिलर मांगता है वियतनाम को अपने इंडो पैसिफिक एक्ट ईस्ट की जो पॉलिसी है उसके अंदर। अगर चाइना और भारत में सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों कंट्रीज जो हैं वो मिलकर काम करने लगती हैं, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान का क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर चिन आए हैं तो उनको इंडिया ने $300 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है वियतनाम की मैरिटाइम सिक्योरिटी पे काम किया जा सके। धीरे धीरे पूरी दुनिया चाइना से हो रही है परेशान और चाइना को घेरने का प्लान बन रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया चाहता क्या है कि इंडिया वियतनाम की आर्मी को सॉफ्टवेयर देगा। एक मंसूबा बन चुका है दुनिया में कि चीन को घेरना है, क्योंकि चीन किसी को आराम से, शांति से, इत्मीनान से रहने नहीं देता। डिफेंस टाइज के हिसाब से बात करें, ब्रह्मोस की डिस्कशन इज बैंग ऑन द टेबल राइट नाउ, तो एनी टाइम दिस थिंग विल गेट साइंड, वो उधर की या उनकी आर्म फोर्सेस इधर पे आएंगी और वो डायरेक्ट कंपनी के साथ साइन करके खत्म कर देंगी। तीसरी चीज है, चाइना के सोलर प्रोजेक्ट्स अदानी ने श्रीलंका में उखाड़ फेंके। इंडिया वांट्स टू हेल्प वियतनाम, किस लिए? इंडिया चाहता है कि चाइना के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं उनको तैयार किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बात करते हैं जी, उन्होंने वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि साहब सबसे पहले तो मोदी साहब को हम बोलते हैं आइए जी वियतनाम आइए आप। वियतनाम ने बोला कि साहब अनक्लॉज के बारे में बात करी, मोदी साहब साथ में खड़े, उसने बोला कि साहब साउथ चाइना सी शुड बी द वाटर्स ऑफ स्टेबिलिटी। बिग स्टेटमेंट है। देखिए ये जो स्टेटमेंट्स इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हैं नॉर्मली दे आर काइंड ऑफ रिहर्स्ड, नोबडी क्रॉसेस दैट सर्टेन लाइन, ये पूरी तरह से सेट होती है एंड यू नो व्हाट द अदर गाय इज गोना से सॉर्ट ऑफ अ थिंग इन बायलैटरल रिलेशंस। अब वो यूरोपियंस की तरह नहीं है कि रोज ही खड़े हो जाते हैं माइक के आगे उसके बकवास करते रहते हैं, नो bilaterally जब आप ऐसी मीटिंग करते हैं stuff is already set up कि ये this is the direction where we both need to speak, all right। उसके बाद बोला कि साहब वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई साहब वी सपोर्ट भारत एक्ट इज या ईस्ट पॉलिसी। उन्होंने बोला कि साहब हम लोग डबल करेंगे bilateral ट्रेड को। उन्होंने बोला कि साहब देर इज हाई लेवल ऑफ पोलिटिकल ट्रस्ट, शेयर्ड एप्लीकेशन फॉर द वेल बींग ऑफ पीपल एंड इंडिया एंड वियतनाम आर क्लोज ट्रस्टेड फेथफुल फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्लोज अंडरस्टूड इजी वर्ड, ट्रस्टेड एंड फेथफुल आज की दुनिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एज अ कंट्री। आपने कल मैंने आपको बताया ना कि अब जैसे यूएसए के जब थोड़ा सा उसको अपना मूड बदलना होता है तो किसी को पार्टनर बोलता है, ally बोलता है, friend बोलता है, equals बोलता है, ये बोलता है, वो all sorts of things he talks about, but these are countries that don't play these games. When they say something, they will stand by it. And Vietnam is a very matter-of-fact country. Huh? Let me tell you, they are a much smaller country, extremely clean, very well-disciplined. Inki band baji hui thi 1975 mein. They went through heck in a handbasket till 1990s, but they stood up on their feet, dusted themselves off, became nationalistic. Remember that, became nationalistic and built their country to what it is today. Opportunity हमारे पास भी है after the disaster of the past 50-70 years. 2010 के बाद थोड़ा सा आपका आप लोग उठ के खड़ना शुरू हुए हो, हमारे पास भी है, nationalistic होइए, देश के लिए काम करिए, you will be able to meet all sorts of goals that Bharat has set out for itself. एंड उसके बाद इनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि साहब देखिए हमारी जो भारत के साथ एक सबसे ज्यादा हमारा जो इंपॉर्टेंस था वाज विद रिगार्ड्स द वैक्सीन्स, इंडिया प्लेड अ की रोल एंड जैसे मैंने आपको बोला कि काफी सारे MOUs ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि साहब ये जो 2047 विकसित भारत का एम है वो बहुत बढ़िया है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट भारत बढ़ेगा, इट विल बिकम वन ऑफ द टॉप पावर विद अ ग्लोबल रोल। ठीक है, वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट। देन ही सेज भाई इंडो, मोदी साहब ने की बारी आई, मोदी साहब ने ज्यादा बोला नहीं, बाकी जनरली उन्होंने बात करी इधर उधर की, बट की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने बोला कि साहब
लोकोमोटिव फॉर ग्रोथ इंडिया वियतनाम और इंडो पैसिफिक के लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। उसके बाद पीएम मोदी ने बोला कि भाई वी आर अगेंस्ट एक्सपेंशनिज्म एंड कॉल्ड फॉर अ फ्री ओपन रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक। चाइना की कान के नीचे चपाट। वियतनाम इज अ की पार्टनर। मोदी साहब ने क्लियरली ओपनली बोला ये चीज। तो उनको इंडिया ने $300 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है ताकि इंडिया वियतनाम की मैरिटाइम सिक्योरिटी पे काम किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया चाहता क्या है कि इंडिया वियतनाम की आर्मी को सॉफ्टवेयर देगा। ठीक है जी। अब मजे की बात देखें, जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर चिन आए हैं, एक तो उन्होंने कहा जी कि इंडिया हमारा क्लोज ट्रस्टेड एंड फेथफुल पार्टनर है जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है पूरी हिस्ट्री के दौरान। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक ये इंडिया को एडवांटेज है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो क्या एडवांटेज है इंडिया को? ये एडवांटेज है कि इंडिया ये कह रहा है कि जितने भी ममालिक हैं खित्ते के, जितने भी ममालिक हैं दुनिया में ही इस खित्ते के, वो कहते हैं जी इंडिया तो हमेशा नॉन अलाइंड रहा है और इंडिया की जो नॉन अलाइन मूवमेंट थी उसने छोटे मुल्कों को हमेशा ये सहारा दिया कि वो अपनी मर्जी से चीजें कर सकें और किसी भी ग्लोबल पावर के प्रेशर के नीचे ना आए। सो दिस इज, ये हमें इंडिया का एडवांटेज है। ये जो क्या नाम है उनका, जो चाइनीज आए हुए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने ये बात की। ये बहुत बड़ी बात होती है जब आपका जो विजिटर डिग्निटी है वो ये अल्फाज आपके लिए कह के जाए। और साथ ही में नरेंद्र मोदी साहब ने उनको कह दिया कि चीन जो है ना वो एक्सपेंशनिस्ट पावर है। चीन एक्सपेंशनिस्ट पावर है जबकि इंडिया फ्री ओपन रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करता है। सो कहां फ्री ओपन रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करना और कहां ये चीज। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, इंडिया जस्ट डजंट स्टॉप हियर। जिन लोगों को नहीं पता मैं थोड़ा बताता चलूं कि इससे पहले भी इंडिया ने कुछ $100 मिलियन की जो क्रेडिट लाइन है, जो इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने मेरा ख्याल है इस साल वो जब वो गए तो उन्होंने वो दी थी। ठीक है जी, जिसमें $100 मिलियन की क्रेडिट लाइन है, फिर एक $500 मिलियन की भी क्रेडिट लाइन दी हुई है ताकि जो वियतनाम है उसकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको बूस्ट किया जा सके। सो इंडिया जैसे बाकी ममालिक हैं, आप मुझे याद है हमारे वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे, वो चले जाते थे श्रीलंका, $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन। इंडिया 100, 200, 400, 500 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन दे रहा है। यानी कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ तो इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि दोनों का दुश्मन या दोनों ने एक ही को दुश्मन मान के रखा है और वो है भारत।